हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षी गुप्ता मेकअप स्टूडियो एंड एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत कलरफुल आई मेकअप ट्यूटोरियल लाए हैं, जो आप मेहंदी मेकअप कर सकते हैं या वैसे भी पार्टी लुक में कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपने क्लाइंट के टोनर किया, क्योंकि जो क्लाइंट की स्किन थी वो ड्राई थी एंड अभी हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हैं। सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगाया है हमने इनके फुल फेस पे एंड अच्छे से मर्ज कर दिया है स्किन पे। एंड अभी हम आई मेकअप शुरू करने वाले हैं। आई मेकअप के लिए सबसे पहले हमने नार्स का बिस्किट शेड लगाया है आईज़ पे एंड अच्छे से रियल टेक्निक के ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मर्ज कर दिया है। अभी हम वाइट कलर की मैट शेडो पिक कर रहे हैं फ्रॉम एनेस्थेसिया की पैलेट। वाइट कलर का हमने मैट शेडो लिया है और मीडियम ब्लेंडिंग ब्रश पे हमने वाइट शेडो पिक किया है एंड इसको हम लिड पे चला रहे हैं। दोबारा हमने पिक किया एंड लिड वाले पार्ट पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वाइट शेडो का पिगमेंट आ चुका है। एनेस्थेसिया की पैलेट से हमने पिक किया है, आप किसी और पैलेट से भी ले सकते हैं, सिंगल शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर हमने पिंक कलर का शेडो लिया एंड उसको हमने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया एंड फिर स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से हमने हल्का सा ब्लूइश ब्लैकिश सा मैट शेडो लिया एंड उसको हम पिंक के साइड पे डिपॉजिट कर रहे हैं, आउटर कॉर्नर पे डिपॉजिट कर रहे हैं एंड अब मर्ज कर रहे हैं हम प्रो एफएक्स के ब्रश के साथ जिससे हमने ब्लू लिया था। ये स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश है, बहुत इजी सा आई मेकअप कर रहे हैं एंड आप देखो हमारा हाफ आई मेकअप कंप्लीट भी हो चुका है एंड इसको हम कलरफुल एंड ब्यूटीफुल बना रहे हैं ब्लू लाइनर अप्लाई करके। ब्लू लाइनर इस फ्रॉम लैक्मे, आप किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ब्लू लाइनर अप्लाई कर दिया एंड देखो आइस कितनी प्रिटी लग रही हैं एंड वेट वाइप से अच्छे से हमने जो अंडर आई प्रोडक्ट था वो क्लीन कर दिया है एंड अब भी हम अब लगा रहे हैं प्राइमर, मॉइस्चराइज़र कम प्राइमर लगा रहे हैं। एम्ब्रॉलिस लगाया है हमने, ये अच्छे से इसको भी हम फ्लैट ब्रश से मर्ज कर रहे हैं स्किन पे, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट की स्किन थी वो ड्राई स्किन थी। अगर हम ड्राई स्किन पे कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो बेस है वो थोड़ा केकी सॉरी जो केकी पैची दिखना शुरू हो जाएगा एंड वो अच्छा नहीं लगेगा। तो भी हम फिंगर से मर्ज कर रहे हैं अच्छे से हमारे मॉइस्चराइज़र कम प्राइमर को। एम्ब्रॉलिस लगाया है हमने स्किन पे। ट्राई करें कि अपने क्लाइंट पे हैंड्स ना यूज़ करें, क्योंकि क्लाइंट अनहाइजीनिक फील करता है। बहुत कम स्टेप्स पे जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे हैंड यूज़ करने की नीड है वहीं यूज़ करें। एंड प्राइमर हम अप्लाई कर चुके हैं, अभी हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रहे हैं एल ए गर्ल का एंड इसको हम अंडर आइज पे लगाएंगे। इसको हमने एक पॉट पे निकाल के रखा हुआ है, जो प्रोडक्ट बच जाता है जो नहीं आता है ट्यूब से हम उसको कट करके एक पॉट में कलेक्ट करके रख लेते हैं, इससे वेस्टेज भी नहीं होती है एंड प्रोडक्ट भी इतना सारा निकल जाता है। तो हम इसको किसी भी नॉर्मल ब्रश से अप्लाई कर रहे हैं अंडर द आईज, फोरहेड पे एंड अराउंड द माउथ एरिया। एंड अभी हम करने वाले हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन की टेस्टिंग हम कर रहे हैं, नार्स की फाउंडेशन हम यूज़ कर रहे हैं आज। ये लॉन्ग वियर रेडियंट फाउंडेशन है, इसको अच्छे से शेक करना है एंड फिर ही आपको यूज़ करना है। अभी हम टेस्टिंग कर चुके हैं साइड पे एंड अप्लाई कर रहे हैं एंड जो शेड अब हम अप्लाई कर रहे हैं वो दो शेड मिक्स किए हैं, एक है पंजाब एंड उसमें हल्का सा बार्सिलोना शेड, ये दोनों नार्स के शेड हैं एंड अच्छे से हमने डैबिंग करनी है। हाफ साइड हम नार्स फाउंडेशन लगा रहे हैं एंड हाफ साइड हुडा फाउंडेशन लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने दो शेड मिक्स किए हैं एंड इसमें हम हुडा के अंदर अब थोड़ा सा एल ए गर्ल भी मिक्स कर रहे हैं, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड कर सकें कि क्या दोनों की कवरेज आ रही है। मैच करेंगे दोनों के साइड को एंड एल ए गर्ल का हमने जो शेड लिया है वो है पोर्सिलियन, हल्का सा मिक्स किया एंड हुडा ब्यूटी का जो लिया है वो है 240। दोनों साइड पे हमने मिक्स कर दिया है अच्छे से एंड जहाँ पे ऑरेंज है वहाँ पे हम डैबिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, एंड जहाँ पे ऑरेंज नहीं है वहाँ पे हम स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं डैबिंग कर करके मैम प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं एंड ये फ्लैट ब्रश है, फ्लैट फाउंडेशन ब्रश है, एक नॉन ब्रांडेड फाउंडेशन ब्रश है, आप आराम से लगा सकते हैं। एंड बेली के ही बफिंग ब्रश से फिर हमने इसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंड किया एंड अभी हम कंसीलिंग कर रहे हैं। कंसीलिंग के लिए अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं कंसीलर की, कि कौन सा शेड इन पे बेस्ट जाएगा। एंड जो कंसीलर्स हैं वो है के ब्यूटी के कंसीलर्स एंड जो शेड अब हम यूज़ कर रहे हैं ये है 110। ये थोड़ा मीडियम सा शेड है, लाइट मीडियम सा एंड बहुत अच्छा शेड है ये।
एंड इन पे एग्जैक्ट जा रहा है। वन टोन फेयर लेते हैं हम हमेशा कंसीलर, जब भी हम कंसीलर टेस्टिंग करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वन टोन फेयर होना चाहिए हमारी फाउंडेशन से। एंड हमने स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से हमने कंसीलर को भी ब्लेंड कर दिया है फुल फेस। एंड अभी हम लगा रहे हैं लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश के लिए हमने यूज़ किया है लव टिंट फ्रॉम बेनिफिट कॉस्मेटिक्स। एंड अभी हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, ब्यूटी ब्लेंडर जो हमारा है फॉरएवर 52 का डैम्प ब्लेंडर है, अभी हम आईज़ के अंडर अच्छे से फाउंडेशन को कंसीलर को मर्ज कर रहे हैं ताकि वहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो क्रीजेज ना क्रिएट करे। फुल फेस हम कर चुके हैं एक बारी ब्लेंडर के साथ एंड अभी हम ब्लेंडर के साथ ही पाउडर डिपॉजिट कर रहे हैं। पाउडर जो हम लगा रहे हैं वो है शनैल का पाउडर। अच्छे से हमने अंडर आई डिपॉजिट कर दिया, फिर हम स्माइल लाइन्स पे पाउडर डिपॉजिट करेंगे एंड फिर फुल फेस पाउडर करेंगे। एंड अभी हमने फिंगर पफी वेयर की एंड अभी हम अंडर आई वर्क कंप्लीट करेंगे। हम हल्का सा फॉइल पिगमेंट लगा रहे हैं, ये स्टिला का किटन शेड है, ये बहुत अच्छा सिंगल शेडो है, इसका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा है, आप देख रहे हो। प्रो एफेक्ट्स के ब्रश के साथ हम इसको अप्लाई कर रहे हैं इनर कॉर्नर्स पे, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। एंड अभी हम थोड़ा सा कंपैक्ट कर रहे हैं ब्रांड इन ब्रश के साथ ताकि मेरा जो बेस है वो अच्छे से सेटल हो जाए, वाटरप्रूफ बेस हो जाए। फिंगर पफी डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप फिंगर पफी नहीं डालोगे तो आपके स्टेन्स आ जाएंगे फिंगर के। एंड गाइज हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आई मेकअप कैसा लगा, लुक कैसी लगी एंड बेस्ट पार्ट क्या था ये ट्यूटोरियल का, डू लेट अस नो। एंड अभी हम मेबलिन का कलोसल मस्कारा कर रहे हैं, वाटर प्रूफ मस्कारा है। एंड जब भी आप मस्कारा करते हैं आप ध्यान रखें, अपने क्लाइंट को बोलें कि आप ऊपर देखो जैसे भी आप कंफर्टेबल से मस्कारा करते हो, नहीं तो मस्कारा जो है वो नीचे लग जाता है एंड स्टिक हो जाता है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है फिर रिमूव करने में एंड ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो लैशेज हमने अप्लाई कर दिए, लैशेज जो हमने अप्लाई की है वो है SG लैशेज यानी कि हमारे ब्रांड की लैशेज हैं। एंड ब्रो बोन पे जो हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो है स्टिला का किटन शेड जो हमने इनर कॉर्नर पे लगाया था। अभी हम नोज़ को हाईलाइट कर रहे हैं विद प्रो एफेक्ट्स का ब्रश एंड जो हाईलाइटर हम यूज़ कर रहे हैं डायोर का। एंड इसको थोड़ा चीक्स पे भी अप्लाई करेंगे ये थोड़ा सा ग्लास फिनिश लुक देने के लिए। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, हाईलाइटर दिख रहा है एंड थोड़ा सा क्यूपिड बोन पे भी लगाया है। एंड अभी हम ब्रोज बनाने वाले हैं। ब्रोज के लिए सबसे पहले हमने थोड़ा टिंट किया है ब्रोज पे एंड ये जो ब्रो टिंट है ये है NYX का एंड इसका शेड है एस्प्रेसो। एंड आपको दिख रहा होगा कि इसके बाद एक नेसेसरी नहीं है ब्रोज बनाना, आप अवॉइड भी कर सकते हैं एंड बना भी सकते हैं। आप देखते हैं बिल्कुल फिनिशिंग आ गई है ब्रोज में, बहुत अच्छी लग रही है इनकी ब्रोज। अभी थोड़ा थोड़ा हम इनको मेडअप करेंगे। मेडअप के लिए हम कोई भी ब्राउन शेडो यूज़ कर सकते हैं पैलेट में से, अभी हम मॉर्फी की पैलेट में से ब्राउन शेडो यूज़ कर रहे हैं। एंड जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं एंगुलर ब्रश है। ब्रोज हमेशा हमें नेचुरल ही रखनी है, आर्टिफिशियल ब्रोज नहीं क्रिएट करनी है, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देने हैं, नहीं तो क्लाइंट को जो ब्रोज लगती हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं, आर्टिफिशियल लगती हैं एंड क्लाइंट थोड़ा डिससेटिस्फाइड भी हो जाता है। तो अच्छे से हमने ब्रोज बनानी है। ब्लैक कलर कभी यूज़ नहीं करना है हमने ब्रोज पे, वो अच्छा नहीं लगता है, हमने थोड़ा सा ब्लैकिश ब्राउनिश सा कलर यूज़ करना है। एंड गाइज हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी रोज़ नई अपडेट्स होती हैं, आपको मैम की स्टोरीज पे क्लासेस कोर्सेज के बारे में पता लगेगा। एंड जो भी हमारे क्लासेस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड हमें इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन सारी सेंड कर देंगे। एंड अभी हम यूज़ कर रहे हैं फेरारुशी का मस्कारा, ये लोअर लैश मस्कारा है एंड इसका वॉन्ड जो है वो बहुत पतला है, इजी टू अप्लाई है एंड ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाता है। अभी हम कर रहे हैं कंटोरिंग। कंटोरिंग के लिए जो हमने प्रोडक्ट यूज़ किया है वो शार्लेट टिलबरी का कंटोर, वैसे ये कम्पैक्ट है बट इसको हम कंटोर के लिए यूज़ करते हैं एंड इसका जो शेड है वो है 3। एंड अभी हम नोज़ कंटोरिंग कर रहे हैं विद प्रो एफेक्ट्स का ब्रश, बिल्कुल लाइट लाइट कंटोरिंग करेंगे, पॉइंट नहीं देंगे नोज़ पे, नहीं तो नोज़ जो है वो अलग से तीखा दिखा मेडअप नोज़ लगेगा एंड वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड हमें कमेंट करके बताओ अब क्या क्या स्टेप रह गया। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं कि जो हेयर पे फाउंडेशन लग जाती है उसे क्लीन नहीं करते हैं एंड फोटोज़ में फिर जो फाउंडेशन है वो रिफ्लेक्ट करती है, वाइट वाइट हेयर रिफ्लेक्ट करते हैं। अभी हम बेली के ब्रश के साथ ही हाईलाइटर अप्लाई कर रहे हैं एंड हाईलाइटर जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो है स्मैश बॉक्स हाईलाइटर, बहुत अच्छा हाईलाइटर है। नोज़ पे थोड़ा सा अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा चीक्स पे कर रहे हैं, थोड़ा क्यूपिड बोन पे अप्लाई कर रहे हैं, आप देख सकते हो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। एंड अभी हम थोड़ा थोड़ा ब्लशर लगा रहे हैं, ब्लशर जो हम लगा रहे हैं इट इज़ फ्रॉम टू फेस्ड, बहुत अच्छा ब्लशर है। एंड अभी हम लिप्स ड्रॉ करने वाले हैं,
लिपर के लिए मैम ने यूज़ किया है लिप पेंसिल. लिप पेंसिल इज़ फ्रॉम कलर बार एंड इसका शेड है चॉकलेट ब्राउन. एंड अभी जो लिपर मैम यूज़ कर रहे हैं ये है एनेस्थेसिया का क्रश. बहुत अच्छा शेड है, आप देख सकते हो कितना क्लासी लग रहा है मेकअप, गर्ली गर्ली लिपर लग रहा है. एंड इसके ऊपर आप ग्लॉस लगा भी सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक, कितना प्यारा लग रहा है. मैम थोड़ी ग्लॉस अप्लाई कर रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना मेकअप. डू कमेंट एंड लेट अस नो कि आपको मेकअप कैसा लगा, बेस्ट पार्ट क्या था मेकअप का, एंड और कौन सी वीडियोज़ आप देखना चाहते हो, कौन से ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो. डू लेट अस नो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.